हाय गाइस, वेलकम टू सेल्फ चिट चैट विद मन्नू। ये कहानी है उनके बारे में जो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और उसके साथ साथ बहुत सिंपल भी है, और उनकी इन्हीं अदाओं की वजह से उनके फैंस उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी समीक्षा सूद की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टिकटॉक स्टार होने के साथ साथ एक एक्ट्रेस भी है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समीक्षा सूद का जन्म 25 अप्रैल 1991 को दिल्ली में हुआ, और वो बचपन से ही काफी एंटरटेनिंग थी। उन्हें एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद थी। दिल्ली में ही पली बड़ी और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है। वो बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, और इसी वजह से पढ़ाई के बाद वो अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली से मुंबई आई, और उन्होंने काफी सारे ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। समीक्षा का डेब्यू इतना ज्यादा इजी भी नहीं था, उन्हें काफी सारे ऑडिशंस देने पड़े थे। एंड उन्होंने बालवीर टीवी सीरियल से 2012 में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने डरी डरी परी का रोल प्ले किया था। वो शो उन्होंने 4 साल तक किया। उसके बाद उन्होंने डोली अरमानों की टीवी सीरियल किया ऑन जीटीवी, एंड काफी सारे अदर शोज भी किए। बट समीक्षा को किसी भी शो से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, क्योंकि वो साइड कैरेक्टर्स थे। जब टिकटॉक ट्रेंड में आया तो समीक्षा को लगा कि उन्हें भी टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, बट उनके पापा कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाएं, क्योंकि उनके हिसाब से टिकटॉक पर वीडियोस बनाने का कोई फ्यूचर नहीं था। पर समीक्षा ने अपने पापा को कन्विंस कर लिया, और उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और उन्हें अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलने लगा। बट उनके फैंस उतने ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे थे। बट जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स विशाल पांडे और भवेन भानुशाली के साथ वीडियोस बनाना शुरू किया, तब से उनके फैंस बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, और आज वो टिकटॉक स्टार बन चुकी हैं। समीक्षा की टीम का नेम #3तिगाड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। ये तो गाइस आप जानते ही होंगे कि 3तिगाड़ा ग्रुप के वीडियोस को फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और ये लोग काफी ज्यादा एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हैं, और ये तीनों ही काफी अच्छे दोस्त भी हैं। समीक्षा बताती है कि विशाल पांडे एंड भवेन भानुशाली के अलावा उनके कोई और फ्रेंड्स नहीं है। इन तीनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, पर ऐसा नहीं है गाइस। समीक्षा सूद की मुलाकात विशाल पांडे एंड भवेन भानुशाली के साथ टिकटॉक पर वीडियोस बनाने के पर्पस से ही हुई थी, और वो तीनों एक दूसरे को उससे पहले नहीं जानते थे। ये तीनों एक दूसरे से फर्स्ट टाइम एक इवेंट पर मिले थे, फिर वहीं से इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों को भी अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, और साथ में वीडियोस बनाकर अपलोड करके देखनी चाहिए कि कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। और उन्होंने अपने टीम का नाम रखा #3तिगाड़ा, जो कि अब बहुत ज्यादा पॉपुलर बन चुका है, और व्यूअर्स इनकी वीडियोस को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, और इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब ये तीनों ही टिकटॉक स्टार बन चुके हैं। और गाइस, कहीं ना कहीं जो पॉपुलैरिटी समीक्षा सूद को टीवी से नहीं मिल पाई थी, वो उन्हें फाइनली टिकटॉक से मिली। अब समीक्षा को शोज और एल्बम सॉन्ग के ऑफर्स भी मिल रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। गाइस, आई विश कि समीक्षा ऐसे ही अपने करियर में ग्रो करती रहे। इसी विश के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगी। अगर आप भी ग्रुप 3तिगाड़ा की वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो प्लीज बताइए कि आपको उनकी वीडियोस में सबसे ज्यादा कौन पसंद है, आपको उनकी वीडियोस कैसी लगती हैं। गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।